नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। 23 की महाभारत में हम कुछ बड़ी सियासी खबरों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में तबादलों पर लगी रोक हट सकती है, अगली कैबिनेट में नई तबादला नीति को मंजूरी मिल सकती है। तबादला नीति पर मंजूरी के साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग में भी तबादले ट्रांसफर हो सकेंगे। 10 से 15 दिन के लिए तबादलों पर रोक हटाने की तैयारी है सरकार की। कैबिनेट की बैठक में पेश हो सकता है तबादला नीति का मसौदा। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी भोपाल से। मध्य प्रदेश में तबादलों पर जो रोक लगी थी वो हट सकती है, ट्रांसफर पर जो रोक लगाई गई थी वो हट सकती है, अगली कैबिनेट में नई तबादला नीति को मंजूरी मिल सकती है। तबादला नीति पर मंजूरी के साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग में भी ट्रांसफर हो सकेंगे। जो इंतजार कर रहे हैं शिक्षक अपने ट्रांसफर को लेकर, उनके लिए एक अच्छी खबर, खुशखबरी। 15 से 10 दिन के लिए तबादलों पर रोक हटाने की तैयारी है सरकार की। कैबिनेट की बैठक में पेश हो सकता है तबादला नीति का ये मसौदा। आइए अब रुक करेंगे 23 की महाभारत की ओर। चुनावी साल में टिकट के लिए खींचतान कोई नई बात तो नहीं है। ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पुराने और नए नेताओं के बीच यहां खींचतान अभी से शुरू हो चुकी है। यही वजह है कि बीजेपी अपने पुराने नेता और सिंधिया समर्थकों के बीच तालमेल बैठाने के लिए लगातार ग्वालियर चंबल अंचल पर फोकस कर रही है। ग्वालियर पहुंचे बीजेपी के ग्वालियर चंबल संभाग के प्रभारी जीतू जिराती ने ये माना है कि बीजेपी में टिकट के दावेदार लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन पार्टी सर्वे में अव्वल और जीतने वाले कैंडिडेट को ही टिकट देती है। वहीं जीतू जिराती ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में तो सिर्फ उठव्वल जैसे हालात हो गए हैं। कांग्रेस में हालात खराब हो रहे हैं, लेकिन बीजेपी की अगर बात करें तो यहां पार्टी में अनुशासन है, सभी एक डोर में बंधे हुए। से चुनाव के समय आता जाएगा तब तब वो बातें भी सामने आएंगी जो बातें हुई नहीं होगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी है और ये दल आप भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। और रही मध्य प्रदेश की और हमारे अगर यहाँ की बात है तो हमारे सब बड़े नेता हैं, सब मिलकर के हमने पहले भी अच्छे प्रयास किए हैं और अभी भी अच्छे प्रयास करेंगे। कांग्रेस का सर फट्टावल पूरी तरह से उजागर है। कल के कांग्रेस के नेता आज के शीर्षस्थ बनना चाहते हैं। छोटे छोटे अनुभवहीन नेता इस देश का, इस प्रदेश का नेतृत्व करने के सपने देख रहे हैं। ऐसे कई सारी चीज़ें निकल करके अभी आपके बीच में आएंगे, सामने आएंगे। जो जो नेतृत्व है कांग्रेस का, कमलनाथ जी जैसे बड़े सीनियर लीडर हैं, दिग्विजय सिंह जी जैसे सीनियर लीडर हैं, उनकी लीडरशिप को कोई मानने को तैयार नहीं हो रहा है। कांग्रेस के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। 2023 के चुनाव से पहले दोनों ही राजनीतिक दल अलग अलग रणनीति बनाकर चुनाव जीतने की कोशिश में अभी से ही जुट गए हैं। कांग्रेस अपने 2018 के फॉर्मूले के साथ ही मैदान में उतर रही है तो बीजेपी उनके इस फॉर्मूले की गुटबाजी का फॉर्मूला बता रही है। 15 साल बाद जिस फॉर्मूले से बीजेपी को 2018 में जीत मिली थी, क्या उसी फॉर्मूले से कांग्रेस 2023 की महाभारत की जंग जीत पाएगी या ये फॉर्मूला किसी और इशारा कर रहा है? ये सियासत का गणित है, यहां जोड़ घटाव जारी है। 2018 के रणनीति के साथ रण भेदने की है तैयारी। ये 2023 की महाभारत है, ये एक और प्रदेश जीतने की महाभारत है, किसी के लिए एक और प्रदेश बचाने की महाभारत है। ये महाभारत है एमपी की, ये महाभारत है सत्ता वापसी की, और सत्ता वापसी के लिए राजनीतिक दल रणनीति तैयार करने में जुट गए हैं। एमपी में 15 साल बाद जिस फॉर्मूले से कांग्रेस को 2018 में जीत मिली थी, उसी फॉर्मूले पर कांग्रेस एक बार फिर लौट गई है और एमपी फतह करने के लिए कदम बढ़ा चुकी है। आखिर क्या है 2018 फॉर्मूला जिसे भुनाकर कांग्रेस एक बार फिर सत्ता में वापसी करने के लिए तैयार है? कांग्रेस ने दी स्थानीय नेताओं को क्षेत्र की जिम्मेदारी। कमलनाथ बूथ और मंडल स्तर तक कर रहे हैं बैठक। दिग्विजय सिंह को 60 से अधिक हारी हुई सीटों की जिम्मेदारी। यादव बाहुल्य बुंदेलखंड के लिए अरुण यादव को जिम्मा। डॉक्टर गोविंद सिंह और लाखन सिंह पर ग्वालियर चंबल संभाग का दारोमदार।
महाकौशल में सांसद विवेक तनखा और पूर्व मंत्री तरुण भनोट संभालेंगे मोर्चा। मालवा में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह और जीतू पटवारी दिलाएंगे जीत। आदिवासी इलाके की कमान कांतिलाल भूरिया, उमर सिंघार, हीरालाल अलावा के कंधे। तो क्या कांग्रेस इस रणनीति से 2023 के महाभारत के रण को भेद पाएगी? ये भी एक सवाल है। अब इस सवाल पर कांग्रेस का साफ कहना है कि पीसीसी चीफ कमलनाथ की रणनीति को बीजेपी के नेता भी मानते हैं और इसी रणनीति से कांग्रेस को कर्नाटक की तरह मध्य प्रदेश में भी बड़ी जीत मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं अजय बिश्नोई जी, इन्होंने खुद आके बयान दिया है टीवी चैनल्स के माध्यम से कि कमलनाथ जी की वजह से भारतीय जनता पार्टी में प्रतिस्पर्धा पैदा हुई है। तो माननीय कमलनाथ जी जमीन तक पहुंच चुके हैं, वहां के स्थानीय व्यक्ति को मंडलम सेक्टर को मजबूत करने के साथ साथ वहां के जो स्थानीय लीडर हैं उन सबको जवाबदेही सौंप दी गई हैं और वो सब अपना अपना काम करने में लगे हुए हैं। हम इसी तरह नहीं कर रहे हैं जैसे हिमाचल या कर्नाटक का पैटर्न है, वो भी उसमें लागू होगा, वो भी उसमें शामिल होगा। निश्चित रूप से आने वाले समय में 2023 में तस्वीर लायक होगी। जिस तरह राहुल गांधी ने 150 सीटों का कहा है, मैं कह रहा हूं 150 से प्लस मध्य प्रदेश में कांग्रेस की आएंगी। माननीय कमलनाथ जी की वो रणनीति है जो कारगर सिद्ध होगी। कांग्रेस भले ही इस रणनीति को कारगर बता रही है लेकिन बीजेपी तो अलग ही राग अलाप रही है। बीजेपी साफ कहती है कि ये कांग्रेस की जीत की रणनीति नहीं बल्कि कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी है उसे छिपाने की रणनीति है और इसी बहाने कांग्रेस के अंदर कई नेताओं को निपटाने की रणनीति है और इसका फायदा कांग्रेस को नहीं मिलेगा। चौतरफ घोड़े दौड़ रहे कांग्रेस पार्टी के रथ के, इससे स्पष्ट है कि ये संभागोंगबाग तो ढकोसला है पर अंदर की जो खींचतान है एक दूसरे को निपटाने की है, कांग्रेस को समाप्त करने की। अब ऐसे में कांग्रेस 2023 की महाभारत में जीत का परचम लहराने के लिए रणनीति बना रही है या गुटबाजी छिपाने के लिए, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बीजेपी तो यही मानती है कि कांग्रेस के अंदर ये रणनीति गुटबाजी को बताती है। न्यूज 18 के लिए भोपाल से शैलेंद्र भदौरिया की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में इस साल के आखिरी में चुनाव होने हैं और चुनाव के लिए बीजेपी की तमाम वो काम करने में जुटी हुई है बीजेपी पार्टी, जिससे पार्टी मजबूत हो ताकि बीजेपी मैदान में उतरे तो उसे कोई परेशानी ना हो। यही वजह है कि बीजेपी अब अपने निष्कासित नेताओं को पार्टी में शामिल करने में जुट गई है। निष्कासित नेता भले ही बीजेपी में घर वापसी कर रहे हों, इस पर कांग्रेस खूब तंज कस रही है। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश बीजेपी को चुनाव के ठीक पहले अपने पुराने नेताओं की याद आने लगी और यही कारण है कि अनुशासन समिति में हो रही बैठकों के बाद अब उनकी घर वापसी के रास्ते खोले जा रहे हैं। इसी कड़ी में चार भाजपा निष्कासित नेताओं को पार्टी ने वापस लिया है। आने वाले समय में कुछ और चेहरे हैं जिनको लेकर चिंतन और मंथन हो रहा है कि उनको जल्द से जल्द भाजपा में शामिल कराया जाए ताकि 2023 के जब चुनाव में उतरे बीजेपी तो जो परेशानियां हैं वो उनको ना हो। लेकिन सब को लेकर सियासत मध्य प्रदेश में शुरू हो गई है और कांग्रेस तमाम तरह के गंभीर आरोप भी लगा रही है। आखिर पूरी क्या है सियासत और क्यों कांग्रेस को हो रही आपत्ति, देखिए इस खबर में। बीजेपी के अनुशासन समिति की बैठक में पार्टी के कई ऐसे नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया जो पार्टी विरोधी गतिविधियां दिखा रहे थे या फिर ऐसे बयान दे रहे थे जो पार्टी के लिए सिरदर्द बन जा रहा था। वहीं अब पार्टी कुछ ऐसे नेताओं की वापसी भी कराने में जुटी है जो पार्टी को चुनाव में फायदा पहुंचा सकते हैं। इसी कड़ी में बीजेपी ने चार नेताओं को पार्टी में वापस लिया है। बताया भी जा रहा है कि 15 दिन बाद फिर एक बार अनुशासन समिति की एक और बैठक आयोजित की जाएगी जिसमें 12 से अधिक निष्कासित नेताओं को पार्टी में वापस शामिल किया जाएगा। पुराने नेताओं की पार्टी में वापस आने पर बीजेपी के प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया ने कहा कि चुनाव के वक्त में पार्टी में नेताओं की वापसी और निकासी का दौर तेज हो जाता है। हालांकि बीजेपी प्रवक्ता ने माफीनामे वाली बात से इनकार कर दिया। चुनाव का समय है, वापसी निकासी आना जाना ये सब चुनाव के समय में तेज गति से होता है। भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे साथी है जो किसी कारणवश हमको छोड़ के चले गए थे या चुनाव लड़ गए थे, वो लोग अगर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को विश्वास में लेकर पार्टी के प्रति निष्ठा की बात कर उसे निभाने का वचन देकर अगर पार्टी में आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं,
तो घर वापसी, और घर वापसी तो हमेशा ही अच्छी होती है। बीजेपी में नेताओं की घर वापसी और निष्कासन पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि चुनाव के पहले बीजेपी एक नया इवेंट लेकर आई है, जिसका चुनाव में उसे कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि जिस तरीके से चार नेताओं की वापसी हुई है, उनमें से एक नेता ने तो सोशल मीडिया पर लिख दिया था कि उन्होंने पार्टी से कभी निवेदन नहीं किया कि उन्हें वापस लिया जाए, फिर भी पार्टी ने उन्हें वापस ले लिया। जैसे पहले इनने मिस कॉल से पार्टी बनाई थी, ऐसे ही मिस कॉल टाइप के माफीनामे चल रहे हैं। जिनको ये माफी के नाम पर माफी दे रहे हैं कि साहब हमने माफ कर दिया, अब आप पार्टी में आ जाओ, वो तो सोशल मीडिया पे खुद ही लिख रहे हैं कि हमने ना आपसे माफी मांगी ना हमने अर्जी दी, आप हमें किस बात पे पार्टी में वापस बुला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की इतनी हास्यास्पद स्थिति होगी, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है, विश्व के नंबर वन, ये विश्व के नंबर वनों का हाल है कि ये जबरिया माफी मंगवा के जो है, जबरिया माफी मान के, किसी ने मांगी नहीं फिर भी मान लिया उनने, और उनको पार्टी में वापस लेने की जो है एक इवेंट कर रहे हैं। चुनावी साल है, नेताओं के आने जाने और पार्टियों को बदलने का सिलसिला लगा ही रहेगा। अभी और पेड़ उखड़ेंगे, ना जाने कितने पत्ते गिरेंगे, बस इंतजार कीजिए, क्योंकि चुनावी साल है, यहाँ सियासत बेमिसाल है। शैलेंद्र भदौरिया, न्यूज 18 भोपाल। अब बात कर देंगे छत्तीसगढ़ की, जहां चुनाव के करीब आने के साथ ही कांग्रेस ने इसे जीतने के लिए प्लानिंग अभी से ही शुरू कर दी। कांग्रेस बूथ खंगालने की राजनीति पर काम कर रही है, जिसकी शुरुआत बस्तर में संभागीय स्तर सम्मेलन के जरिए हो चुकी है। माना जा रहा है कि पार्टी पिछली बार के फॉर्मूले को फिर अपनाएगी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ चुकी है, और यही वजह है कि शुरुआत की जा रही है संभागीय सम्मेलन के जरिए बूथों की स्थिति को मापने के लिए। सबसे पहले बस्तर से शुरुआत की गई, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि किसी भी विधानसभा चुनाव में बस्तर जो है वो चुनावी जीत की चाबी होती है, और यही वजह है कि कुमारी शैलजा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम और तमाम कांग्रेस के लोगों ने सबसे पहले बस्तर में रणनीति बनाई कि इस बार जो है पुराना रिजल्ट कैसे दोहराया जाए। छत्तीसगढ़ का बस्तर, जो अपनी संस्कृति और यहाँ बसे आदिवासियों के लिए तो जाना जाता ही है, लेकिन सूबे की सियासत में बस्तर जीत की चाबी माना जाता है। कहते हैं सरगुजा और बस्तर फतह कर लिया तो जीत के करीब पहुँच ही गए। जाहिर है इसकी वजह इन दोनों क्षेत्रों में आने वाली ज्यादा सीटें ही हैं। बस्तर और सरगुजा के आदिवासी जिस पार्टी के लिए जो मन तय कर लेते हैं, वो संदेश बाकी आदिवासी बहुल इलाकों में भी चला जाता है। और चूंकि बस्तर और सरगुजा की सभी सीटें इस बार कांग्रेस के पास है, ऐसे में कांग्रेस यही प्रदर्शन आगे भी बरकरार रखना चाहती है। लेकिन इस बार कांग्रेस सत्ता में है, लिहाजा लोगों की उम्मीदें उससे ज्यादा रही हैं। पार्टी ये समझ भी रही है और कोई चूक करने की स्थिति में भी नहीं है, लिहाजा अब कांग्रेस नेता लगातार बस्तर के आदिवासियों के मन को पढ़ने के प्रयत्न करने में लगे हुए हैं। इस बार कांग्रेस संभाग स्तरीय सम्मेलन के साथ ही डिनर डिप्लोमेसी पर भी काम कर रही है। नहीं, देखिए राजनीति में चुनौतियां तो होती है, उन चुनौतियों का हम कैसे मुकाबला करें, उसका कैसे समाधान करें, उस रणनीति पे हम लोग काम करते हैं। हमें उम्मीद है हमारे वरिष्ठ नेताओं के, माननीय मुख्यमंत्री जी, शैलजा मैम जी, और हमारे मंत्रिमंडल के सभी सम्मानीय अनुभवी मंत्री आदरणीय मोहम्मद अकबर साहब का भी मार्गदर्शन, वरिष्ठ मंत्रियों का मार्गदर्शन मिलता है, और हमें लगता है हम सत्ता और संगठन तालमेल के साथ काम करेंगे और 2023 में मिशन 2023 में पता करेंगे। माथुर कह रहे हैं कि बस्तर हमारा होगा, उनके पुराने रिकॉर्ड्स को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, चुनौती भी दे रहे हैं, तो आपको लगता है कि नहीं? देखिए, हम चुनौती को चुनौती के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, उसी ढंग से हमारी रणनीतियां भी बन रही है। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार ने कार्य किया है, कांग्रेस सरकार ने अपने वायदे पूरे किए हैं, बघेल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार जन जन तक पहुंची है, हर नागरिक का यहां पर विकास का हिस्सा हुआ है, और इन बातों को लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे, और हमारे सभी प्रकोष्ठ, पूरी पार्टी, एक एक कार्यकर्ता जमीन पर कार्य कर रहा है, और नई ऊर्जा लेकर जो राहुल गांधी जी ने अपनी यात्रा से शुरू की थी, देश के वातावरण में जो बदलाव है, भारतीय जनता पार्टी की झूठ की राजनीति के दिन लद गए हैं। लेकिन विपक्ष में बैठी बीजेपी का फोकस भी बस्तर पर लगातार बना हुआ है। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर यहां लगातार दौरे कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं से बात कर रणनीति भी बना रहे हैं।
बीजेपी के महामंत्री केदार कश्यप का कहना है कि जीत इस बार बीजेपी को ही मिलेगी और कांग्रेस कितने भी सम्मेलन क्यों न कर ले, उसे ज्यादा फायदा नहीं मिलने वाला। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मुगालते में है। भारतीय जनता पार्टी को बस्तर की जनता ने 2018 में नकारा था। उसका बड़ा कारण यह था कि बस्तर के लोगों का भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल तक शोषण किया, उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन किया। बस्तर का आम आदमी सुरक्षा बलों और नक्सलवादियों के दो पार्टों में पिस रहा था। उनके वन अधिकार पट्टों को लंबित किया गया, उनके रोजी रोटी के साधन को छीना गया, उनको जबरिया जेलों में ठूसा गया। हमारी सरकार आने के बाद बस्तर के लोगों के संवैधानिक अधिकारों को बहाल करने का काम किया। हम बस्तर के लोगों ने 2018 में जो हमारे ऊपर भरोसा जताया था, हमारी सरकार ने उस भरोसे को और ज्यादा मजबूत किया। यही कारण है कि हम बस्तर में दो दो उपचुनाव जीते, बस्तर के सारे हम नगरीय निकाय चुनाव जीते और आने वाले चुनाव में भी बस्तर भाजपा मुक्त था। कुल मिलाकर राजनीतिक दलों को एक बार फिर वोटर की याद आई है, क्योंकि सवाल सत्ता हासिल करने का है, लिहाजा दोनों ही दलों का फोकस बस्तर पर बढ़ चला है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जिस रणनीति पे चली थी उसमें सबसे ज्यादा बूथों पर फोकस किया गया था और यही वजह है कि संभाग स्तरीय सम्मेलन के जरिए सबसे ज्यादा बूथों पर फोकस करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस का कहना है कि बस्तर हो या सरगुजा हो, अब कोई चुनौती नहीं रही, क्योंकि उस समय कांग्रेस विपक्ष में थी लेकिन उसके बाद भी बढ़िया रिजल्ट आए। इस बार तो कांग्रेस सरकार में है और बेहतर काम किया है। हालांकि ओम माथुर का कहना है, जो बीजेपी के प्रदेश प्रभारी है, कि बस्तर जो है, बस्तर और सरगुजा इस बार बीजेपी का होगा। देखना यह होगा कि नतीजे क्या आते हैं, लेकिन ये जरूर है कि दोनों ही पार्टियां सबसे ज्यादा फोकस बस्तर और सरगुजा में कर रही है। कैमरा पर्सन सुशील के साथ ममताला अंजेवार, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। इसी के साथ ही 23 की महाभारत में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।